और चलिए रुकेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच, हरियाणा में कोरोना संक्रमण बेहद तेज हो गया है। जी हाँ, ये तेजी आई है नए केसों में। पिछले 24 घंटे में 3104 मरीज, जी हाँ, नए कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से अभी तक हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 793 नए केस सामने आए हैं। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया। पिछले 24 घंटे में सोनीपत में 162 नए केस सामने आए हैं, तो बीते 24 घंटे में महेंद्रगढ़ में 47 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस 20,000 के पार पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,000 के पार पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और विजेंद्र संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गोहाना से संवाददाता हमारे साथ राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम तमाम अपडेट जो हैं वो लेंगे। और महेंद्रगढ़ से हमारे साथ सुशील हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले विजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल क्योंकि गुरुग्राम स्थिति बहुत 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 ज्यादा खराब हो चली है, पूरे हरियाणा में नए केसेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन और सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जाए, लेकिन फिलहाल जो लापरवाही है वो भी लगातार दिखाई दे रही है लोगों में। सदर बाजार में जाएं, हजारों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, उसमें बिना मास्क लगाए लोग घूमते नजर आएंगे। साथ ही साथ तमाम जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, चाहे तमाम दुकानदार हो, मॉल्स हो, तमाम गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन कुछ ही समय के बाद अब लगातार लोग लापरवाही करते नजर आए हैं। शुरुआती दौर में देखा था कि जिस तरह से पुलिस कितनी एक्टिव थी और किस तरह से लॉकडाउन हुआ था, किस तरह से पाबंदियां लगाई गई थी, लोगों में एक डर था कोरोना को लेकर, लोग नियमों का पालना कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जैसे ही धीरे धीरे अनलॉक 1-2 जैसे ही शुरू हुआ, धीरे धीरे अब लोगों में भी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने गुरुग्राम की बात करे तो तमाम व्यवस्थाएं की हुई है। साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, बॉर्डर पर भी रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं, मंडी में भी लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, आज सिरोल बॉर्डर पर भी टेस्ट किए जाएंगे, दिल्ली बॉर्डर पर भी टेस्ट किए जाएंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन तब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक लगातार ये मामले बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार प्रशासन कर रहा है, जागरूक लोगों को कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। छठ पर्व था और इस तरह जिस तरह भीड़ यहाँ पर उमड़ी, आसपास शहर के अन्य इलाकों पर घाटों पर भीड़ थी, तो कहीं ना कहीं कोरोना लगातार और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रदूषण की मार, सर्दी की मार और कोरोना की मार, ट्रिपल मार अब साइबर सिटी के लोगों को लगातार झेलनी पड़ रही है। और फिलहाल सर्दी के साथ ही खांसी जुकाम जैसी जो बीमारी है वो लोगों को घेरे हुए है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के जो लक्षण है वो भी मिलते जुलते लक्षण है, बुखार खांसी जुकाम, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं वो कोरोना की चपेट में है या सर्दी की चपेट में है। तो फिलहाल ऐसे लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है और लोगों को पॉजिटिव तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, उन पर ध्यान रखना होगा, उसी के बाद कोरोना से मुक्ति। हालांकि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी हो चुका है और लगभग कुछ ही महीनों बाद वैक्सीन पूरी तरह से मार्केट में आएगी, लोगों को लगेगी, उसके बाद ही कोरोना का खात्मा हो पाएगा। लेकिन जो भयावह स्थिति अब गुरुग्राम में है, लगातार मामले आ रहे हैं, 700 से 800 मामले रोज लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में चिंताएं प्रशासन सरकार की जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कितने लोग अभी लगातार, कल ही 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, तो ये काफी विचारणीय है, चिंतनीय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास विजेंद्र, और सुशील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए, क्योंकि अभी तक का हालात जो थे उसे सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, केसेस भी नॉर्मल तक यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन एकाएक यहाँ पर बढ़ावा आना, एकाएक संख्या बढ़ना बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर
24 घंटे में 47 नए मामले आए हैं। सरकार महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6048 हो गई है। इस कोरोना पॉजिटिव की संख्या का जो बढ़ता क्रम देखा जा रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। कल जैसे हम देखते हैं कि बाजार के अंदर जो भीड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का मास्क नहीं लगाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कि लोगों की लापरवाही की वजह से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन निरंतर कोशिशें कर रहा है, निरंतर जांच कर रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की जागरूकता की वजह से प्रशासन पूरी तरीके से जागरूक कर रहा है। लोगों के बिना मास्क वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर कम डर देखा जा रहा है। इस प्रकार से जब महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना कम था, जब लोग ज्यादा सहमे और डरे हुए थे, लेकिन अब जब कोरोना का क्रम बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोगों के अंदर डर देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास सुशील। और राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ लगातार गुहाना से बने हुए हैं। फिलहाल कैसे हालात गुहाना में बने हुए हैं राम, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि देखिए लॉकडाउन तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो सख्तियां बढ़ती जाएगी और ये बहुत ज्यादा सख्ती होगी। अंजलि देखिए, जिस प्रकार से गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर सरकारी कार्यालयों तक के हालात ये है कि लोग जो है मास्क नहीं लगाते हैं और इवन जो अधिकारी है वो भी मास्क से कहीं ना कहीं कतराते नजर आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोरोना उनके नजदीक नहीं आएगा। और ये हालात न केवल ग्रामीण स्तर पर बल्कि शहरी स्तर पर भी मार्केट से लेकर कार्यालयों में आमतौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन दूसरों को नसीहत जरूर देता है कि मास्क अवश्य लगाए, लेकिन स्वयं पर कभी इंप्लीमेंट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे वो सरकारी कार्यालय की बात करें या फिर किसी अधिकारी के दौरे के दौरान बात करें या फिर मंडी की अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का रवैया जो है, इस प्रकार के हालात यह जरूर ध्यान करते हैं कि आने वाला जो समय है वो काफी भयावह होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूलों की तरफ भी कोरोना जो है लगातार अग्रसर हो रहा था और इसी के चलते प्रदेश भर में स्कूल है दोबारा उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन हालात इस प्रकार से लगातार कोरोना के प्रति जो मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन जांच करिए होना चाहिए। प्रशासन जहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं एक प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। कार्यालयों में सीधे तौर पर लोग जो है मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते, इवन अधिकारी भी कहीं ना कहीं मास्क को नीचे डाउन रखते हैं और डाउन रखने के बाद लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार के हालात जब कार्यालय अधिकारी स्तर पर देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना बढ़ने की जो संख्या है वो लगातार नजर आती है। लेकिन देखना ये होगा जिस प्रकार से सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो सिम्टम्स नजर आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो है एक समान ही होते हैं, जुकाम खांसी, और ये भी कोरोना से संबंधित टाइप के ही होते हैं। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो अगर तनिक मरी भी इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय हॉस्पिटल में जाकर चेक करा लेना चाहिए। और अगर गोहाना की अगर बात करें तो गोहाना में हालांकि मृत्यु दर काफी कम हो गया है, लेकिन मामले जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम इस तमाम जानकारी, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है और अब बहुत जरूरी है कि लोगों को यह समझना होगा कि सख्ती आपके जीवन के लिए है, आपके परिवार के जीवन के लिए है। और सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि उत्तर भारत समेत पूरे भारत में आपको बता दें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो यहां पर तो इतनी विस्फोटक स्थिति एक बार फिर से नजर आ गई है। ये तीसरी वेव इतनी खतरनाक बताई जा रही है कि आप समझिए इससे कि अब अगर यह आंकड़ा नहीं कम हुआ, अगर नए केसेस की संख्या नहीं कम हुई, अगर संक्रमण की तेजी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आप समझ सकते हैं कि अगले साल जो है ये स्थिति और भी ज्यादा डरावनी यहां पर साबित हो सकती है। तो इसीलिए घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकलिए, सैनिटाइज आप अपने हाथों को करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपको बनाए रखनी है, चाहे आप सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी जा रहे हों।